हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री। दिल्ली एनसीआर इंडिया का सबसे तेजी से विकास करने वाले क्षेत्रों में से एक है और ये कई वजहों से है, जैसे कि क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं और यहाँ का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास स्तर का है। दिल्ली में रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की कीमत आसमान छू रही है, जिस वजह से दिल्ली के आसपास के शहरों में अब तेजी से विकास हो रहा है। वह बड़ी बड़ी कंपनियां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कम रियल एस्टेट कीमत के लिए गुड़गांव और नोएडा की तरफ रुख कर रही हैं। सरकार भी इन शहरों में हाईवेज रोड कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। नोएडा एक बहुत ही अच्छे से बसी हुई प्लांट सिटी है और कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों ही डेवलपमेंट यहाँ पर जोरों से हो रही है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा सबसे बेहतरीन जगह है आपके लिए। नोएडा में रहने का मतलब है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, कन्वेंशन सेंटर्स एंड क्षेत्र में आने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसलिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपका अब तक का सबसे अच्छा डिसीजन होगा। और जिस तरह गवर्नमेंट नोएडा के विकास में लगी हुई है और शहर में नए नए प्रावधान ला रही है, ऐसे में हर कोई नोएडा में निवेश की सोच रहा है। इस वीडियो में आपको मैं 6 मुख्य कारण, 6 मेन रीजंस बताऊंगी, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्यों प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए आपका अब तक का सबसे सही निर्णय होगा। जेवर एयरपोर्ट वर्तमान में सभी के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है। आज के समय में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी के रेट बेहद किफायती है, पर ये जेवर एयरपोर्ट के बनते ही आसमान छुएंगे। जेवर एयरपोर्ट का काम 2018 से ही शुरू हो चुका है और ये एयरपोर्ट भारत का क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। आजकल नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में नौकरी के भी भरपूर अवसर हैं। बड़ी बड़ी आईटी और आईटीएस ऑफिस का नोएडा में बेस है और आए दिन नई नई कंपनियां नोएडा में सेटअप हो रही है। Thus, there is an increment in job opportunities. जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद और भी MNCs नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सेटअप होंगी। अगर हम लोकेशंस की भी बात करें तो ये की लोकेशन से बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, जैसे कि नोएडा 5 मेजर एक्सप्रेसवेज से कनेक्टेड है, रिनाउंड MNCs नजदीक हैं, अक्षरधाम, IGI एयरपोर्ट, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जेवर एयरपोर्ट, ये सबके सब सिर्फ 1 घंटे के रेडियस में है। Noida is one of the best planned cities. It boasts of world-beating road infrastructure with the Crown Highway, Yamuna Expressway. Yamuna Expressway world-class level ka highway hai. In fact, Noida mein sabhi sector roads bhi kafi chaudi, kafi broad hai. Noida mein kafi sare park, world-class hospitals, global schools, colleges aur any sabhi suvidhaein bhi maujood hai. Jo log Noida mein rehte hai ya Noida aaye hai, वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि नोएडा बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी है। जिस फेस में यहाँ डेवलपमेंट हो रही है उससे यहाँ का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा आएगा। आज के समय में गुड़गांव और नोएडा में प्रॉपर्टी कीमतों में काफी अंतर है, लेकिन प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के चलते अगले कुछ सालों में ये अंतर कम हो जाएगा। और ये एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अपना मन तो बना रहे हैं पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। उनके लिए बता दूं कि नोएडा रियल एस्टेट निश्चित रूप से बढ़ेगा। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पतंजलि ग्रुप को पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क स्थापित करने के लिए 300 एकड़ लैंड अलॉट की है, जहां 130 एकड़ में पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड को दी गई है। वही 25 एकड़ जमीन मॉडर्न वैदिक कोर्सेज के इंस्टीट्यूशन के निर्माण के लिए दी गई है। ग्रेटर नोएडा में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी पहले से ही इन्वेस्टर को 5,000 से लेकर 11,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्रॉपर्टी रिलीज करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद LG, माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियों ने पहले ही DMICDC की इस योजना के तहत 10 हेक्टर तक जमीन खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। लावा इंटरनेशनल भी ग्रेटर नोएडा में 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है, जिसके लिए 35 एकड़ जमीन की भी मंजूरी मिल चुकी है। होम ग्रोन टेक जायंट इंटेक्स भी ग्रेटर नोएडा में योजनाओं में बिग टाइम इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बना रहा है,
जिसके लिए 650 करोड़ की डील हुई है। इन सभी प्रोजेक्ट से लगभग 80,000 जॉब्स क्रिएट होंगी नोएडा में। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो पिछले कुछ सालों में नोएडा होम बायर्स के लिए सबसे अधिक मांग वाली जगहों में से एक बन गया है। सुंदर और शांत हरे भरे वातावरण के साथ एक्सप्रेसवे और हाईवेज के माध्यम से शहरों से अच्छी तरह जुड़ा होने के कारण नोएडा आपके पैसों के इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी जगह बन गया है। होम बायर्स के लिए प्रॉपर्टी हर सेगमेंट में अवेलेबल है, फिर चाहे वो अफोर्डेबल हो, लग्जरी हो या अल्ट्रा लग्जरी। दिल्ली के पास स्ट्रेटेजिकली रूप से स्थित नोएडा में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बदले में एक लाभकारी निर्णय साबित होगा। और दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो यही समाप्त होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री।